हेलो एवरीबॉडी, आई होप बेटा लोग आपको मेरे वीडियो लेक्चर्स इंग्लिश स्पीकिंग के अच्छे लग रहे हैं। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए। आप बहुत एनर्जेटिकली, एंथुसियास्टिकली, विद फुल इंटरेस्ट उसको पढ़ रहे हैं। आई होप यू आर पैशनेट टू लर्न दिस लैंग्वेज नाउ। आई होप आप यू डू एवरीथिंग इन इंग्लिश, यू वॉक इन इंग्लिश, यू स्लीप इन इंग्लिश, यू ईट इन इंग्लिश, ऑफकोर्स यू टॉक इन इंग्लिश, वेदर टूटी फूटी डज नॉट मैटर। तो अब आज हमारा वीडियो 14 है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हम लेने जा रहे हैं। शायद एक लेक्चर में ना होके दो लेक्चर में जाए। वीडियो 14, 15 शायद दोनों इसी में बने, आई कैन नॉट से। फिर उसके ऊपर एक एक्सरसाइज है जिसमें 60 अराउंड हिंदी के सेंटेंसेस हैं जिसमें आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। प्रिपोजिशंस खास तौर से ध्यान देना है, फिर भले आपका जो टेंसेस हैं वो गलत हो जाए उसकी मुझे इतनी परवाह नहीं है अभी, क्योंकि मैंने सिखाया ही नहीं है। तो आई विल बी कंसर्न विद द प्रिपोजिशन पार्ट कि वो आप करेक्टली सीखें। और कुछ एरियाज होंगे जिसमें आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, ऐसा होता है? तो हाँ जी, ऐसा ही होता है। तो मुझे कैसे ध्यान रहेगा? लर्न करिए। आपने भी लर्न किया था? हाँ, छुटपन में हमने भी लर्न किया था। एग्जाम में ऐसे सेंटेंसेस आते थे, फिल इन द ब्लैंक आता था इंग्लिश के पेपर में, तो उससे स्ट्रांग हो गए, तो धीरे धीरे बहुत स्ट्रांग हो गए। तो इसमें से कई आपके भी स्ट्रांग होंगे, कई आपको बहुत अजीब से लगेंगे, कई आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे, तो हर तरह का होगा। बहुत लंबा चैप्टर है, तो लेट अस स्टार्ट। ओके, तो ये है बेटे प्री पोजिशन। दो शब्दों से बना है, प्री पोजिशन। इट इज प्री पोजिशन। प्री का मतलब होता है से पहले, पोजिशन मतलब उसकी जगह। तो जिसकी जगह नाउन से पहले है, फिर भले बीच में एडजेक्टिव आ जाए, एडवर्ब आ जाए, लेकिन नाउन से पहले है, इसका मतलब है हम जो प्रीपोजिशन लगाते हैं वो नाउन के लिए लगाते हैं। फिर भले बीच में आर्टिकल आ रहा है, एडजेक्टिव आ रहा है, एडवर्ब आ रहा है, वो एक अलग इशू है। और ये रिलेशनशिप कायम करता है नाउन का वर्ब से, नाउन का नाउन से। तो नाउन का रिलेशनशिप कायम करेगा किसी और फॉर्म ऑफ वर्ड से। अब वो कैसे, वो आगे बढ़ने जाने से समझ आता जाएगा, ठीक है? और सबसे पहले प्रीपोजिशन जो है वो है इन। अब इन आपको पता चल गया, अच्छा इसको प्रीपोजिशन बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, जो इस लिस्ट में हम सारे वर्ड सीखने वाले हैं, बहुत ज्यादा हैं, तो सेंटेंसेस के जरिए सीखेंगे। कुछ सेंटेंस होंगे जो रेयर मैं छोड़ दूंगी, कुछ सेंटेंस मैं लूंगी, कुछ सेंटेंस इसलिए लूंगी क्योंकि वो आपको एज इट इज सीखने होते हैं, कुछ सेंटेंस इसलिए लूंगी कि उसमें कोई डिफिकल्ट वर्ड है वो सिखाना है। तो जैसे ही मैं उसकी हिंदी बताऊं, अपने रजिस्टर में या अपनी बुक में लिख लीजिएगा, समय के साथ उसको लर्न करिए ताकि वो आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होती चली जाए। तो इस कोर्स के जरिए ही आपके पास डेली यूज की, बड़े सारे यूज की, बहुत सारी वोकैबुलरी अपने आप आ रही है। उसका फायदा उठाइए जिससे कि आप इस मिनिमम लेवल ऑफ वोकैबुलरी में बहुत स्ट्रांग हो जाएं। और जब ये वोकैबुलरी आप सीख जाओगे तो आपको अपने आप से हैरानी होगी कि मैम कह रही थी मिनिमम, ये तो बहुत ज्यादा वोकैबुलरी सिखा गए इसी कोर्स में। दैट इज द ट्रूथ कि आप बहुत ज्यादा वोकैबुलरी सीख जाओगे इस कोर्स के जरिए, जिसमें सारा स्ट्रेस मेरा ग्रामर के ऊपर है, फिर भी वोकैबुलरी बहुत सारी सीख जाओगे। क्योंकि बेशुमार एक्सरसाइजेज हैं, बेशुमार मतलब बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जिसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हिंदी है, तो इंग्लिश भी कॉम्प्लिकेटेड होगी। और एक दिन होगा जब आप उस कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश को बड़े आराम से बना रहे होंगे, एंड दैट विल बी द मोस्ट ब्यूटिफुल डे फॉर मी एंड यू, राइट? अब चलिए चलते हैं इन। इन का मतलब होता है मे। बुक में सब दिया हुआ है, एक चीज दी हुई है, तो बुक को साथ रखिए। नंबर भी बोलती जाऊंगी सेंटेंसेस का कि अब देखो हम ये वाला सेंटेंस पढ़ रहे हैं। इन जो है वो पहला प्रीपोजिशन है बुक का, ये भी बताऊं मैं आपको, जिसमें मैंने 8 एग्जाम्पल्स दिए हैं। सारे एग्जाम्पल्स तो नहीं, कोई कोई एग्जाम्पल लूंगी जिसमें आपको कुछ हटके सिखाना होगा। और असली बात यह है कि एक होता है इन और सेकेंड है इन टू। कुछ प्रीपोजिशंस होते हैं जो साथ साथ सीखने चाहिए। अब इन और इन टू में फर्क जो है वो एक साथ ही सीखा जाएगा, क्योंकि इनटू का मतलब भी मे ही होता है, लेकिन यह है कि उसमें मूवमेंट है, कुछ मूव कर रहा है तो इनटू आएगा, कुछ स्थिर है, स्थिर समझते हैं,
टिका हुआ है, हिल नहीं रहा है, तो फिर वो उसमें इन आएगा। ये इन और इग्लू का फर्क सिखाने के लिए है। जैसे मैंने बोला वॉटर इज इन द ग्लास, तो अगर मैंने बोला वॉटर इज इन द ग्लास तो इसका मतलब पानी ग्लास में है, इसका मतलब ऑलरेडी ग्लास में है, तो वो स्थिर है। लेकिन मैंने बोला ही पोर्ड वॉटर इन टू द ग्लास, पोर्ड मतलब उरे उरे डाला, तो ही पोर्ड वॉटर। अब क्योंकि उसने ग्लास में पानी डाला तो पानी मूव कर रहा है, जब ग्लास में पानी डाला तो देयरफॉर इट विल बी इन टू। तो जब भी मूवमेंट आएगी और हिंदी आएगी में, उसने ग्लास में, तो इन टू ग्लास, तो ही पोर्ड वॉटर इन टू द ग्लास। द ग्लास क्यों, आप भी जानते हो मैं भी जानती हूँ कौन सा ग्लास है ना, तो फिर द ग्लास। अगर मैंने बोला इन टू अ ग्लास तो कोई भी एक ग्लास था, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एक नॉर्मल सा ग्लास होगा। और ही पोर्ड वॉटर इन टू अ ग्लास एंड गेव इट टू द प्रिंसिपल, कुछ भी। तो ही पोर्ड वॉटर इन टू द ग्लास का मतलब है उसने एक पर्टिकुलर ग्लास जो आप और मैं दोनों जानते हैं उसमें उड़ेला पानी को ऐसे। जैसे ही केम इन टू माई रूम तो मूवमेंट है, लेकिन मैंने बोला ही वॉज इन माई रूम तो स्थिर है कि वो मेरे कमरे में था। तो ही वॉज इन माई रूम, मेरा भाई मेरे कमरे में था, मुझे बुलाना नहीं पड़ा। तो मैंने बोला ही वॉज, तो वो ऑलरेडी था इन माई रूम, तो फिर मूवमेंट नहीं है इसलिए इन। फिर वो मेरे कमरे में आया तो ही केम इन टू माई रूम। अ पॉइंट केम इन टू माई माइंड है ना, तो जब भी मूवमेंट आएगी तो इन टू आएगा। ओके, देयर इज समथिंग इन योर माइंड, इन योर माइंड तुम्हारे दिमाग में है, कुछ चल रहा है, तो ऑलरेडी है, तो देयर इज समथिंग इन योर माइंड गोइंग ऑन, कुछ चल रहा है। एंड दिस पॉइंट केम इन टू माई माइंड ऐसे, तो इन टू, तो जब भी मूवमेंट है तो मे के लिए इन टू। और खास बात आप क्या देखोगे कि उल्टा पढ़ते हैं, जैसे ही वॉज इन माई रूम तो वो था, अब उल्टे से मेरे कमरे में, देखने से ही वॉज में मेरे कमरा, ऐसे थोड़ा पढ़ते हैं, वो था मेरे कमरे में। इसका मतलब क्या है कि हिंदी करते वक्त उल्टा बोलते हैं, प्रीपोजिशन के केस में हिंदी करते वक्त उल्टा बोलते हैं, रिवर्स, पहले पीछे वाला वर्ड फिर आगे वाला वर्ड। जैसे मेरे कमरे में, इन माई माइंड, मेरे माइंड में, तो प्रीपोजिशन को बाद में बोलना है, इन टू द ग्लास, ग्लास में, ऐसे। बहुत अच्छा है, बहुत आसान है, आ जाएगा, डोंट वरी, आ गया होगा अभी से ही। फिर जैसे है इन सेकंड, अब सेकंड एग्जांपल है आपकी बुक का, इस फर्स्ट पॉइंट के सेकंड एग्जांपल है, इन 1985 इन जून। हाँ, तो आपने क्या सीखा कि यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में भी लिखा है कि इन 1985 और इन जून, कॉमा करा तो दो सेंटेंसेस बन गए, ध्यान रखिएगा। इन 1985 या फिर कभी बोले इन जून आई वेंट अब्रॉड इन जून, ऐसे। तो जब मैंने ये बोला इन 1985 या इन जून, तो यहाँ से आपको पता चला कि ईयर और मंथ के साथ इन आता है। अब एक आगे प्रीपोजिशन आएगी ऑन, कोई लाग नहीं है मेरे पास, सब कुछ साथ चलते हैं, तो ऑन मंडे, तो ही केम ऑन मंडे, तो डे के साथ ऑन आता है। नो नो नो, ही केम ऑन संडे, यू डोंट रिमेम्बर, वो संडे को आया था, डोंट लुक एट द हिंदी, वो संडे को आया था। ऑन की हिंदी को होती है, हाँ जी होती है, यहां पे यही होती है। इनकी हिंदी हमेशा में होती है, देखेंगे मैक्सिमम तो में होती है, चेंज हो गई तो फिर आप मेरे को कुछ कह नहीं सकते। अच्छा मतलब मैं कैसे करूं, सीधा सीधा इंग्लिश सीखो ना बेटा, जैसे ईयर और मंथ के साथ इन आता है, डे के साथ ऑन आता है, ऑन ट्यूसडे, ऑन मंडे, यू विल हैव अ टेस्ट ऑन ट्यूसडे, ऐसे। फिर इन मॉर्निंग, ये भी इसमें एग्जांपल होगा, हाँ दिस इज पॉइंट फाइव, इन मॉर्निंग, इन इवनिंग, इन आफ्टरनून, तो इन मॉर्निंग, इन इवनिंग, इन आफ्टरनून, इनके साथ इन आ रहा है। लेकिन एट नाइट, अब एक एट आ गया, एट नाइट। मैम कैसे करूं, लर्न करो, ऐसे क्यों होता है, उनकी अंग भाषा है, मुझे क्या पता वो ऐसे क्यों करते हैं। तो ये चीजें होती हैं जो मैंने आपसे डे वन पे भी कहा था, कुछ होंगी बहुत कम जो आपको एज इट इज सीखनी पड़ेंगी, जिसमें मैं बोलूंगी बेटा ऐसे ही होता है, तो यही है वो एट नाइट। तो इन मॉर्निंग, इन आफ्टरनून, इन इवनिंग, मुझे आता है, आप सीखो। अरे वो सुबह आया था, अब इसमें तो मैंने हिंदी में कोई प्रीपोजिशन ही नहीं बोला, सुबह में आया था,
आप बोलते हो? आप बोलो, मैं तो नहीं बोलती। अरे दोपहर को गया था, उस को के लिए इन आ रहा है, मैं क्या करूं? तो आपका स्टाइल गलत है अगर आप उसकी हिंदी को पकड़ रहे हो इस वाले सेंटेंस में। जब आता है 1985 में, जून में, तब तो कंफर्टेबल है। मॉर्निंग में, इवनिंग में, आफ्टरनून में ऐसे बोलते हो, वेरी गुड। नहीं बोलते हो तो फिर सीखो। रात को गया था मैं वहां पे, मंदिर खुला हुआ था, मुझे नहीं पता कैसे खुला हुआ था, रात को गई वैष्णो देवी। तो मैं रात को गया था, तो एट नाइट, ऐसे। फिर अगर हम एग्जैक्ट टाइम बताएं, एट 5 o'clock, तो एग्जैक्ट टाइम के लिए सबको पता है, 5 बजे आया था, 5 बजे आया था मैं। कहीं भी हिंदी में प्रीपोजिशन नहीं है, को से इन के लिए मैं, कुछ भी नहीं। वैसे एट की हिंदी क्या होती है? पर। लुक एट मी, मुझ पर नजर रखिए अपनी, मुझ पर देखिए, है ना? ऐसे थोड़ा बोलते हैं मुझ पर देखिए, मुझको देखिए बोलते हैं, है ना? लुक एट मी, तो ठीक है, ऐसे सीखना, धीरे धीरे सीख जाओगे आप। अच्छा, मतलब मेरे ख्याल से ऐसा है, वर्ड कौन सा है, उसके साथ कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, बस ये सोचो। बहुत सही बोला आपने। कभी नाउन के साथ देखना पड़ता है, ये वाली प्रीपोजिशन आती है, कभी वर्ब के साथ देखना होता है, जैसे लुक एट मी। अच्छा, लुक के साथ एट आता है, हाँ जी हाँ जी, लुक एट। अब ये क्या है? ये एक फ्रेज है। अब एक वर्ड आया कि ये एक फ्रेज है। फ्रेज क्या होता है? अब फ्रेज होता है कुछ शब्दों को मिला के, जब हम बोलते हैं कुछ शब्दों को मिला के अगर आप बोलते हैं तो उसको फ्रेज बोलते हैं, और उसका अपने एक अलग मीनिंग होता है जो लर्न करना पड़ता है। आगे जाके मेरा एक और मॉड्यूल बनेगा इंग्लिश के कोर्स का, नेक्स्ट कोर्स जैसे समझे आप, हायर लेवल, जिसमें फ्रेजेस आएंगे। तो उनमें वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिनके अपने ही मीनिंग है, जो इनको रटना पड़ता है, बोल बोल के, सुन सुन के, पढ़ पढ़ के सीखा जा सकता है। लॉजिक नहीं मिलेगा नॉर्मली आपको उसमें, तो वो हायर वोकैबुलरी का पार्ट हो जाता है थोड़ा सा, या वोकैबुलरी कह दे उसको आप। हायर वोकैबुलरी में तो फिर बहुत कुछ और आ जाता है, बहुत अनलिमिटेड है इस भाषा में सब कुछ, लैंग्वेज में। चलिए, अच्छा, उसके बाद जैसे आ गया इसका पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 है ही इज इन अमेरिका, ठीक है। अरे वो अमेरिका में है, तो अगर मैंने बोला, अच्छा ये भी सीखते जाइए, जैसे अमेरिका है, इंडिया है, तो जगह का नाम है, फिर यूनिक चीजें हैं, सन, अर्थ, ये किसी भी चीज का नाम है अगर, जैसे, तो फिर वो उसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल आता है। जैसे आपका नाम सुधीर है तो एस कैपिटल, मेरा नाम पद्मा है तो पी कैपिटल, ऐसे अमेरिका है तो ए कैपिटल, ये नॉर्मली पता होता है आप लोग को स्कूल लेवल की वजह से। तो ही इज इन अमेरिका एंड ही वॉज एट लाजपत नगर, ये एट में मिलेगा आपको। तो ये क्या है? लाजपत नगर छोटी सी जगह है हमारी दिल्ली में, और अमेरिका तो एक कंट्री है इतनी बड़ी, पता है आपको, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोल दूं तो आप समझदार है। तो ही इज इन अमेरिका, तो बड़ी जगह के लिए इन आता है और छोटी जगह के लिए एट आता है। अब इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ये लर्न करना है। अरे वो लाजपत नगर में था, मैं तो रोहिणी में था, या मैं तो गुड़गांव में था, तो छोटी जगह के लिए एट आएगा और बड़ी जगह के लिए इन आएगा। तो ऐसे कॉम्बिनेशंस में इसको सीखना पड़ता है। हम ये नहीं कर सकते कि पहले इन सीख लें, सब कुछ साथ साथ सीखना पड़ता है। जैसे इन इनटू का फर्क, इन एट का फर्क, इन ऑन का फर्क, ऐसे, राइट? अच्छा, फिर उसके बाद इसमें एक आता है जैसे 6 पॉइंट है, आई विल कम बैक इन 5 आवर्स, है ना? अब इसको सीखो, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये है आपका पॉइंट नंबर 6, कहता है आई विल कम बैक इन 5 आवर्स, मैं वापस आ जाऊंगा इन 5 आवर्स। उल्टा बोलोगे, और पहली बात ये मैथमेटिकली नहीं लिखते हैं, इंग्लिश को लिखते वक्त इंग्लिश में ही लिखते हैं, आई विल कम बैक इन 5 आवर्स। तो जब वो ऐसे बोलेगा तो इसका हिंदी क्या है? मैं वापस आ जाऊंगा 5 घंटे में, मेरे को बाद में बोला ना, ऐसे तो उल्टा पढ़ते हैं, तो मैं 5 घंटे में आ जाऊंगा। और अगर मैंने बोला आई विल कम बैक विद इन 5 आवर्स, तो क्या फर्क है? तो इसका मतलब है मैं 5 घंटे के अंदर अंदर आ जाऊंगा। इसका मतलब विद इन एक अलग प्रीपोजिशन है, विद अलग होता है, इन अलग होता है, विद इन अलग होता है, इसलिए मैंने कोई गैप नहीं डाला ना विद इन में, क्योंकि वो एक ही वर्ड है।
और विदिन का मतलब होता है के अंदर अंदर, दिया है मेरी बुक में कहीं पे, के अंदर अंदर। तो 5 घंटे के अंदर अंदर आ जाऊंगा तो विदिन बोलूंगा, और अगर 5 घंटे में बोला है तो थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है, झगड़ा मत करना मेरे से आप। जैसे मैं 5:30 में आया, तू तो बोल रहा था 5 घंटे में आएगा, कम ऑन आई टोल्ड यू आई विल बी बैक इन 5 आवर्स, तो 5 आवर्स तो थोड़े ज्यादा हो गए, तो आप चिल्ला क्यों रहे हो, मैं तो पहले बोला था इन 5 आवर्स। नो नो यू हैव टू कम बैक विद इन 5 आवर्स। ओके सर, अब मुझे 5 घंटे में आना ही पड़ेगा क्योंकि सर ने बोला है, कोई भी काम होगा हमारा, दैट इज व्हाट द डिफरेंस इज, राइट। अच्छा, फिर उसके बाद एक आता है 7th, अब ये लर्न करने वाला है। जैसे ही राइट्स, अजीब लगेगा, अच्छा ऐसे होते हैं, तो ही राइट्स इन इंक और इन पेंसिल। अब यहां पे इन आया, वो होता है ना स्याही वाला पेन, इंक वाला पेन जिसमें इंक भरते हैं, है ना, वो तब हम बोलते हैं, जब अगर हम बोलते हैं बॉल पॉइंट पेन, तो बॉल पॉइंट पेन आपको पता है जिससे आप नॉर्मली लिखते हो, एक होता है जेल पेन, है ना, तो एक होता है इंक पेन जिसमें इंक भरी जाती है। तो अगर हमने बोला वो इंक वाले पेन से लिखता है, तो इसको हम कैसे बोलेंगे, वो इंक वाले पेन से लिखता है, तो वो लिखता है ही राइट्स सब्जेक्ट एंड वर्ब इन इंक। मैम इसमें पेन तो आया ही नहीं, तो इंक क्या पेन नहीं है, इंक किसके लिए यूज होगा, किसी और चीज के लिए थोड़ा इंक यूज करते हैं, इंक तो लिखने के लिए ही यूज करते हैं, इसी से काम चल गया, वही तो कैसे करो, लर्न करो, बार बार देखो, बोलो, अकेले में बैठे बैठे एंजॉय करो, जैसे मैं करती थी बचपन में, मैं तो ऐसे सेंटेंसेस अपने आप से ऊंचा ऊंचा बोलती थी। मेरे घर में कोई अंकल आंटी आते थे और मैं अगर अपने किचन में होती थी या वॉशरूम में होती थी, कहीं भी भाई साहब अपने घर में झाड़ू लगा रही होती थी, तो भी मैं तो ऐसे ऐसे अपने आप से ऊंचा ऊंचा बोलती थी, और सुनने वाले सुनते थे और मुस्कुराते रहते थे कि ये बच्ची कैसी है। आई वॉज अ वेरी स्मॉल किड एट दैट टाइम, तो मुझे शौक था, ऐसे ही शौक पैदा करो आ जाएगा। कभी भी मत परवाह किया करो मेरे ऊपर कोई हंस रहा है, उसके हंसने से मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, आई लव माई सेल्फ द मोस्ट। तो ही राइट्स इन इंक और ही राइट्स इन पेंसिल, एक ही बात है कि वो पेंसिल से लिखता है, इंक वाले पेन से लिखता है। हिंदी को छोड़ो, आप से, नन से के लिए तो आप कोई और वर्ड बोलोगी, हाँ लेकिन यहाँ पे इन है, लर्न करो। ओके, फिर एक और आता है इसमें, बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स उठाए हैं, बड़ी मेहनत से ये किताब बनाई थी। ही कंप्लीटेड हिज वर्क इन टाइम, मैंने बोला ही कंप्लीटेड हिज वर्क इन टाइम, और अगर मैंने बोला ही कंप्लीटेड हिज वर्क ऑन टाइम, अब इसमें क्या फर्क है, दोनों सही है। अगर मैंने बोला ही कंप्लीटेड हिज वर्क इन टाइम, तो ये पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहा है, जो इन टाइम है वो पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहा है। और अगर मैंने बोला कि ही कंप्लीटेड हिज वर्क ऑन टाइम, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है। अब आप बोलोगे मैम कैसे सिखा रहे हो आप, ये पीरियड पॉइंट ये क्या है। जैसे उसके पास 6 महीने थे काम करने के, 6 months were there with him, प्रीपोजिशन के बाद बहुत ज्यादा आपको अच्छा लगेगा क्योंकि आप सेंटेंसेस को 95% समझना शुरू कर दोगे, इट्स सो इंटरेस्टिंग। तो अगर मैंने बोला कि 6 months में उसने जो है अपना काम खत्म किया, तो जो 6 months है वो एक पीरियड ऑफ टाइम है। और पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, जैसे 10 बजे, 10 o'clock, घड़ी के 10 बजे, जब घड़ी पे 10 बजते हैं, तो आप कभी गौर करो घड़ी की दोनों सुइयां एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होती है, एक सुई 12 पे होती है, एक सुई 10 पे होती है, अगर 10 बज रहे हैं, छोटी सुई 10 पे होती है, बड़ी सुई 12 पे होती है, तो वो एग्जैक्ट एक पॉइंट ऑफ टाइम है। अब समझ आया होगा आपको कि पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम क्या, घड़ी पे आप 6 महीने को देख सकते हो, एक दिन को देख सकते हो, एक हफ्ते को देख सकते हो, एक साल को देख सकते हो। आप बोलोगे मैम कैसी बातें कर रहे हो, दैट इज द पॉइंट कि आप अगर घड़ी पे वक्त को देख सकते हो, तो वो 9, 10, 11, 12, 1, 2 ऐसे बस इस समय को देख सकते हो, तो जो घड़ी पे दिख जाता है वही पॉइंट ऑफ टाइम होता है।
और जो घड़ी पे नहीं दिखता है वो पीरियड ऑफ टाइम होता है। तो पीरियड ऑफ टाइम को आप एक क्लॉक पे या एक वॉच पे आप नहीं देख सकते हो। तो दैट इज व्हाट इज पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर मैंने बोला अरे सर मैंने अपना कोर्स टाइम पर खत्म किया था, 6 महीने का था, 6 महीने में खत्म हो गया था, तो आई कंप्लीटेड इन टाइम, मैंने कोई ज्यादा वक्त नहीं लिया है। और अगर मैंने बोला अरे सर आपने कहा था कि शाम के 6 बजे तक ये काम खत्म कर लेना, मैंने 6 बजे से पहले खत्म किया है, पूरे 6 बजे भी खत्म किया, तो भी आप मेरे को नहीं डांट सकते, आई कंप्लीटेड इट ऑन टाइम सर। ऑन टाइम सर भी जानते हैं 6 बजे डिसाइड हुआ था उनके और मेरे बीच में, बेटा 6 बजे तक कर लेना है, मैंने भी कहा था हाँ सर 6 बजे तक कर दूंगा, और मैंने 6 या 6 से पहले खत्म किया भाई। ऐसे आई होप इट्स क्लियर नाउ कि अगर एक पीरियड ऑफ टाइम है तो इन टाइम यू नेवर कंप्लीट योर वर्क इन टाइम, आई एम वेरी अपसेट विद यू। तो अपना टाइम कभी टाइम पर खत्म, अपना काम कभी टाइम पे खत्म नहीं करता। 1 साल का 2 साल लगा दिया तुमने, कैसे पढ़ाई करता है? ऐसे ही कहानी है ऐसे। अरे कभी तो टाइम पर आ जाया कर, हिंदी का क्या है, दोनों में टाइम पर, टाइम पर। प्लीज ट्राई टू कम ऑन टाइम बेटा, ऑफिस में हमेशा आधा घंटा लेट आते हो आप, क्या है ये सब? दैट इज द पॉइंट। तो यहाँ पे इन और ऑन का फर्क आपको समझ आया, दैट इज पीरियड ऑफ टाइम एंड पॉइंट ऑफ टाइम। ऐसे ही सीख सकते हैं इस प्रीपोजिशन के चैप्टर को, और कोई तरीका नहीं है, इससे ही अच्छा सीख पाएंगे आप, राइट? ओके, उसके बाद नेक्स्ट आया इनटू, जो सेकंड है मेरी बुक का प्रीपोजिशन, दैट इज इनटू। इनटू मैंने अभी भी बताया था, एक तो मूवमेंट होता है, ही पोर्ड वाटर इनटू अ ग्लास ऑफ, इनटू अ ग्लास, है ना, इट केम इनटू माय माइंड वेरी लेट दैट आई शुड हैव डन लाइक दैट, कुछ भी। अब यहां पर एक इसमें है थर्ड पॉइंट है, प्लीज लुक इन टू द मैटर, ये लर्न करना पड़ेगा, ये एक फ्रेज है, लुक इन टू द मैटर, लुक इन टू एक फ्रेज है ऐसे करके। तो लुक इन टू का क्या मतलब होता है? लुक होता है देखना, तो लुक इन टू द मैटर, प्लीज इस मामले को देखिएगा, जरा समझिए ये मामला कैसे हैंडल करना है, इस मामले को संभालिए। हिंदी का क्या है, जो मर्जी बोलो। ओके सर आई विल लुक इन टू द मैटर, मैं देखता हूँ सर मामले को क्या है, ये मामला संभालता हूँ, डोंट वरी सर, ऐसे। तो लुक इनटू ये लर्न करना पड़ेगा, मेरे पास कोई इलाज नहीं है। अब इस मामले को देखिए, इस मामले को संभालिए, इस को के लिए इनटू आ रहा है, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या करूं मैम? हाँ लुक इनटू लर्न करो, आप लुक इनटू लर्न करो और उसका मीनिंग लर्न करो कि मामले को संभालना, राइट, या उसको देखना। उसके बाद नेक्स्ट आ गया थर्ड आपका ऑन। ऑन की हिंदी क्या होती है? नॉर्मली पर, ठीक है। और अभी धीरे धीरे सीखेंगे क्योंकि इसमें 15 सेंटेंसेस हैं, तो कंपैरिजन होंगे, तो इट विल टेक टाइम, लेट अस गो स्लो, स्लो से ही ज्ञान धीरे धीरे बढ़ेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। ज्ञान एकदम बढ़ता है तो कोई फायदा नहीं होता, उतनी जल्दी निकल जाता है दिमाग से, जितना धीरे धीरे जाता है उतना देर तक रहता है। जैसे मैंने बोला ही सिट ऑन द चेयर प्लीज, ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है, मैंने कहा सिट ऑन द चेयर, है ना। अगर मैंने बोला सिट ऑन द चेयर तो इसका मतलब है चेयर पर बैठो, ये चेयर है और तुम ऐसे बैठो, तो टच कर रहा है, तो जब किसी चीज पर टच कर रहा है तो ऑन आ गया। ही वॉज स्टैंडिंग ऑन द रूफ, वो छत पर खड़ा था तो ऑन द रूफ टच कर रहा था, है ना। और फिर इसमें आता है अगर मैं बोलू सिट, ही वॉज सिटिंग या सिट एट योर टेबल, तो इसका क्या मतलब है? अरे टेबल पर बैठो, तो कहीं आप टेबल के ऊपर थोड़ी ना बैठ जाओगे, अगर ये टेबल है तो यहां चेयर होगी, उस पर बैठोगे आप। वो अपने स्टडी टेबल पर है, मिल लो उससे उसके रूम में जाके बेटा। तो ही इज सिटिंग एट हिज स्टडी टेबल, एट वी वर सिटिंग एट द डाइनिंग टेबल एट दैट टाइम, अरे उस वक्त तो हम डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, तो टेबल के ऊपर तो खाना होता है। द फूड वॉज केप्ट ऑन द टेबल एंड वी वर सिटिंग ऑन द चेयर्स, सो हेंस वी वर सिटिंग एट द डाइनिंग टेबल। ऐसे सीखते, तो किसी चीज पर बैठे टच हो गया तो ऑन है, टेबल पर बैठे तो ऐसे है, ये चेयर है ये टेबल है, यू अंडरस्टैंड दैट? आई होप यू अंडरस्टैंड, दैट इज वॉट इज एट। ही जम्प्ड अपॉन द टेबल, अब आया ही जम्प्ड अपॉन द टेबल,
ऑन अपॉन हिंदी सेम है. अगर मैंने बोला ही जंप्ड अपॉन द टेबल तो इसका क्या मतलब है, उसने टेबल पर जंप किया है ना. द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, तो अपॉन में मूवमेंट आ गई. अपॉन में क्या आ गया, मूवमेंट. ऑन में स्थिर है, हिल नहीं रहा है, चेयर पर बैठा है, ही सिटिंग ऑन द चेयर. तो ऑन में स्थिरता है, अपॉन में मूवमेंट है. जैसे इन एंड इनटू, इनटू में मूवमेंट है और इन में स्थिर है, फिक्स्ड है, ऐसे. तो ऐसे करके अपॉन आ जाता समझ में, है ना. अच्छा, फिर उसके बाद जैसे अब अपॉन को ही लूम है, अगर अपॉन फोर्थ भी पोजिशन है, अपॉन का ही एक सेकेंड है, ही डिपेंड अपॉन हिज ब्रदर. तो ही डिपेंड अपॉन हिज ब्रदर, इसका क्या मतलब है, वो अपने भाई पर डिपेंड करता है. अब इसमें तो मूवमेंट है क्या, वैसे नहीं सीखना है इसको, ऐसे ही पकड़ो, सीधा फ्रेज है लर्न करो. टू डिपेंड अपॉन, टू डिपेंड अपॉन मतलब किसी पर आश्रित होना, किसी पर डिपेंड करना, अपने लिए इंडिपेंडेंट है, मेरे को किसी की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने ऊपर डिपेंड करता हूँ, मैं किसी के ऊपर आश्रित नहीं हूँ, या किसी के ऊपर मैं, मेरी लाइफ किसी और की वजह से नहीं चलती, मेरी वजह से चलती है. आई एम इंडिपेंडेंट. बट ही डिपेंड अपॉन हिज ब्रदर, उसका सब कुछ उसके भाई पर डिपेंड करता है, वही डिसाइड करता है कैसे क्या होगा सब कुछ. दैट इज व्हाट इज डिपेंडेंट अपॉन. अच्छा, डिपेंडेंट के साथ अपॉन है लर्न करना है. हाँ जी, लर्न करना है, हो गया होगा बात करते करते, है ना. और जितना बोलोगे, जितना बोलोगे उतना उतना बेटर होते जाओगे. एवरी मोमेंट कसम खा लो, आज के बाद से तो इंग्लिश में ही बात करनी है, बिकॉज सब कुछ तो सिखा दिया, टेंसेस रह गए. हाँ, कुछ हैं चीजें जो रह गई, काफी हैं वैसे, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, लेकिन आसान है. अच्छा, उसके बाद अगर हम चले इसी में ही आगे, ऑन में ही, जैसे टॉक ऑन दिस टॉपिक सेकेंड है, टॉक ऑन दिस टॉपिक, इस टॉपिक पर बात करो, है ना. तो इस टॉपिक पर व्हाट डू यू से ऑन दिस टॉपिक, ऐसे. फिर उसके बाद पुट द फैन ऑन, एक लाइन आता है इसमें, पॉइंट नंबर थर्ड है, पुट द फैन ऑन. अब इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, पुट ऑन द फैन बोलो, लेकिन इंटरेस्टिंग नहीं है, काफी अट्रैक्टिव बनाना है अपनी लैंग्वेज को, तो इसको ऐसे ही सीखो. पुट द फैन ऑन, किस चीज को ऑन करना है. पुट द फैन, पुट ऑन, पुट ऑन मतलब अरे पंखा चला दे. तो चलाने के लिए कोई वॉक नहीं है, कोई और वर्ड नहीं है, चलाने के लिए पुट ऑन है. अरे बंद कर बंद कर, ठंड लग रही है, तो पुट ऑफ. पुट द फैन ऑफ प्लीज, ऑफ में डबल है. तो पुट ऑन उसको चला दो, पुट ऑफ पंखे को बंद कर दो, ऐसे सीखते हैं. अब ये फ्रेज है, इसको एज इट इज लर्न करो, राइट. अच्छा, फिर उसके बाद कीप ऑन, कीप ऑन वर्किंग हार्ड, गुड बॉय. तो जब मैंने बोला कीप ऑन, तो करते रहो, हिंदी भी दिया है मैंने बुक में आपको, सब कुछ बहुत ब्यूटीफुली दिया है. जैसे मैंने बोला कीप ऑन टॉकिंग, अब टॉकिंग, अगर मैंने बोला कीप ऑन टॉकिंग, तो बात करते रहो, बात करना जारी रखो, तो जीरंड है. प्रीपोजिशन के साथ अगर आईएनजी आ रहा है, तो इनफाइनाइट वर्ब है. इनफाइनाइट में प्रीपोजिशन के साथ तो जीरंड ही आता है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसकी हिंदी होती है करना, और फिर वो लाइन के साथ पता चलता है. कीप ऑन टॉकिंग, तो बात करते रहो, बातें करना जारी रखो, हिंदी आपकी है, जैसे मर्जी बोले. अच्छा, फिर उसके बाद इसमें एट है, जो मैंने आपको नहीं बताया, बीच के बता दी, डोंट वरी, मैं देख रही हूँ क्या क्या बताया क्या क्या नहीं बताया, एक एक सेंटेंस देख रही हूँ. एट है, ही इज ऑन फोन, भाई को बुला जरा, तो जवाब आया ही इज ऑन फोन, मतलब वो फोन पर बात कर रहा है. ही इज ऑन टूर, अरे वो तो ऑफिस के टूर पर गया है. या ही इज ऑन एक्सकर्शन, एक्सकर्शन मतलब पिकनिक, कि वो तो पिकनिक पे गया है, मतलब एक दो दिन का ऐसे घूमने फिरने गया है, दैट वे. फिर ही इज ऑन लीव, अरे सर वो तो छुट्टी पर है. या ही इज ऑन ड्यूटी, अरे सर वो घर पर नहीं है, वो तो अपनी ड्यूटी पर गया है. हिंदी को मत देखिए, देखना तो देखिए, हिंदी में भी वही है, पर लेकिन इनको लर्न करना पड़ेगा. ऑन ड्यूटी, ऑन लीव, अरे छुट्टी क्यों नहीं ले लेता, अरे मैं छुट्टी पर ही हूं भाई, तो आई एम ऑन लीव ऑफ 5 days. वेर आर यू, आई एम ऑन टूर, ऑफिशियल टूर, ऐसे टूर नहीं बोलते, टूर, टू अ की आवाज आती है, टूर.
जब भी आपको लगे ये कैसे पढ़ा आपने, तो उसको हिंदी में लिख लो, दिमाग में हिंदी में लिख लो टूअर। ये तो पढ़ना आता है ना आपको, जो भी आपकी लैंग्वेज है। मेरी हिंदी है तो मैं हिंदी में लिख लेती हूँ टूअर, बचपन से ऐसे सीखती हूँ। कोई अगर नया वर्ड सीखा तो माइंड में मेरे वो हिंदी की जो भाषा है वो छप जाती है, उससे प्रोनाउंसिएशन कभी भी गलत नहीं होती है, कभी भी। जैसे कहते हैं बच्चा लोग मेरे को व्हाट्सएप कर रहे हैं, बोले मैम प्रोनाउंसिएशन कैसे करें, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, आ जाएगा बहुत अच्छे से आएगा, अच्छे से नहीं आएगा बहुत अच्छे से आएगा। इस कोर्स में आप प्रोनाउंसिएशन देखो, जितना भी वोकैबुलरी मेरे से सीखोगे उसका प्रोनाउंसिएशन तो आ ही जाएगा। प्रोनाउंसिएशन का बड़ा सिंपल सा रूल है, इट्स नॉट समथिंग सेपरेट फ्रॉम इंग्लिश, कोई कोई अलग से कोर्स होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रोनाउंसिएशन आप इंग्लिश सीखते सीखते सीख जाते हो। एक्सकर्शन है ना, आपको लेटर्स की साउंड आनी चाहिए, एक्सकर्शन, शन के लिए हमेशा TION SION यही आता है। फिर CUR को कुर क्यों नहीं पढ़ा, एक्सकुर, वही तो सीख रहे। एक्सकर्शन, लीव, ड्यूटी, ड्यू है ना, DUDUTY, ड्यूटी, फोन, टूअर, ऐसे आते होंगे ये वर्ड आपको, आई नो सिंपल वर्ड है। मतलब एक दिमाग में आया मेरे के प्रोनाउंसिएशन को लेके बच्चे ने कहा था, तो मैंने कहा थोड़ा सा बताऊं कि प्रोनाउंसिएशन कोई बड़ी चीज नहीं है। अब उसको बच्चा बोलता है प्रोनाउंसिएशन, इट्स नॉट प्रोनाउंसिएशन, इट इज प्रोनाउंसिएशन। तो वो कुछ चीजें तो आपको सुनने से आती है, मैक्सिमम वोकैबुलरी, मैक्सिमम प्रोनाउंसिएशन आपको सुनने से आती है। जितना एक सही बंदे की आवाज पे ध्यान दोगे, उसके स्टाइल पे ध्यान दोगे, जितना ज्यादा पैशनेट होगे, आप देखोगे आप उसी की तरह बोलने लगते हैं। आप में से जिसको जितना ज्यादा ज्यादा शौक होगा ना, वो मेरे वाले स्टाइल पे आ गया होगा आप तक, बिल्कुल मेरी तरह फ्लो बनाता होगा वर्ड्स का, जो उसको अच्छा लगता होगा मेरे भाषा में, वो एज इट इज पकड़ता होगा, एज इट इज। तो कईयों में ये क्वालिटी बहुत ज्यादा होती है, इनहेरेंट होता है, अंदर से ही वो ऐसे होते हैं। कईयों में नहीं होता है, वो भी सीखते हैं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, सीखता हर कोई है, बस अपने अपने पैटर्न होते हैं, अपनी अपनी डिग्री होती है, दैट्स ऑल राइट। अच्छा, उसके बाद इसमें आ गया, देखो कोई और जो मुझे बताना है ऑनली। फिर आता है इसमें, ये मैंने बता दिया, जैसे इसमें नाइन्थ बहुत अच्छा लगा मुझे, कहता है आधा तो आपको मैंने बताया, जैसे आई विल गो ऑन द मॉर्निंग ऑफ जून द फर्स्ट, स्टार बना लो इस लाइन पे, तो आई विल गो, मैं जाऊंगा ऑन द मॉर्निंग ऑफ जून द फर्स्ट, हाँ अब ये क्या है, मैं पहली जून की सुबह को जाऊंगा, ये इसकी हिंदी उल्टा करते हैं प्रीपोजिशन में, मैंने बताया था, तो मैं पहली जून की सुबह को, तो ऑन के लिए मैंने क्या बोला, को, सुबह में या सुबह को, इट्स योर चॉइस। आप तो बोल रहे थे इन मॉर्निंग होता है, यही तो सीखने बैठे हो कि जब ये वाली लाइन बोलनी है इस तरीके से मंथ के साथ डेट के साथ, तो फिर ऑन आएगा ऐसे। What are you doing in morning? ये ठीक है। Where were you in the morning? वो भी ठीक है। लेकिन जब आपको मंथ और ये से वैसे बोलने, तो on the morning of June the first. तो learn करूँ? हाँ learn करूँ। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि कुछ तो पक्का पक्का learn करने को बोलेंगे ऐसे। फिर उसके बाद अब देखो, जैसे ये 10th है, ये learn करने का है। लिख देना learn इस पे भी। He is not on the list. कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बैठ रहे हो, कमाल इंग्लिश हो जाएगी मेरे से पढ़ के। ये सारी इंग्लिश कॉम्पिटेटिव में यूज होती है, जबरदस्त, यही सब होता है कॉम्पिटेटिव इंग्लिश में। ग्रामेटिकल एरिया, ही इज नॉट ऑन द लिस्ट, इसका मतलब क्या है, मैंने बुक में भी दिया। तो असली बात यह सीखना है कि उसका नाम लिस्ट में नहीं है। लिस्ट में मैम, वही तो, बट यू हैव टू से ऑन द लिस्ट। तो he is not on the list का मतलब वही है जो आप सोच रहे हैं, कि उसका नाम लिस्ट में नहीं है। Okay, you have to learn this. अच्छा, फिर उसके बाद my name appears on the electoral roll, ये भी अच्छा लाइन है। My name appears मतलब मेरा नाम नजर आता है। माई नेम, अब जैसे मैंने बोला लिख लो इसका मीनिंग साथ साथ, मेरा नाम नजर आता है। पॉज कर दो वीडियो को अगर रुकना है तो।
So my name appears on the electoral बना इलेक्शन से, और अच्छे से बोले तो इलेक्टोरल है ना, इलेक्शन से इलेक्टोरल रोल, इलेक्टोरल रोल। हाँ तो इसका क्या मतलब है, इलेक्टोरल रोल होता है जो वोटर्स की लिस्ट बनती है ना वो। तो माय नेम अपीयर्स ऑन, तो किसी भी लिस्ट के साथ आप देख रहे हो ऑन आ, चाहे वो इलेक्टोरल रोल है चाहे वो लिस्ट है, ऑन। ओके सीखना ही है कि मेरा नाम उसमें है। फिर अब ट्वेल्थ है, वो भी लर्न करने वाला है थोड़ा सा, देखो उसे। ट्वेल्थ है ही, नो नो नो, इट इज देयर वॉज नो मनी ऑन रमेश, रिटने वाला है ये तो। देयर वॉज नो मनी ऑन रमेश, ऑन राम कुछ भी बोल दो, राम के पास पैसा नहीं था। पीछे से बोलो ना, देयर की तो हिंदी नहीं होती, तो राम के पास पैसा नहीं था। राम के पास आप बोलोगे मैम वो तो, आप बोलोगे विद, देयर वॉज नो मनी विद राम, नहीं बोलो ना, तो इसलिए तो लर्न कर, देयर वॉज नो मनी ऑन राम के पास के लिए हमने ऑन बोला है, तो लर्न ही करना पड़ेगा ना। ही इज नॉट ऑन द लिस्ट, देयर वॉज नो मनी ऑन राम ऑन द मॉर्निंग ऑफ जून द फर्स्ट, ऐसे। अच्छा फिर उसके बाद नेक्स्ट बता दिया। फिर आप उसकी डेथ पर गए थे, तो डेथ पर ऑन डेथ है ना। फिर फंक्शन पर, पार्टी पर, बर्थ पर, तो ऑन, ये आपको पता है ऑलरेडी। ऑन हिज बर्थ यू नो, उसके जन्म पर उसके पापा बहुत ज्यादा खुश हुए थे, तो ऑन हर बर्थ हर फादर वॉज वेरी वेरी हैप्पी। तो ऑन हर बर्थ, उस बच्ची के बर्थ पर, तो पर के लिए ऑन आया। फिर आई अग्री, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। लास्ट पॉइंट, आई अग्री ऑन दिस पॉइंट। अब ये है आई अग्री ऑन दिस पॉइंट, और एक होता है आई अग्री विद यू, और एक होता है I agree to what you say. I agree to your proposal. I agree to what you say. अब I agree on, I agree where, I agree to. अब आप बोलोगे learn करो, पहले समझ लो फिर लगे कि learn करना है, it's your choice. मेरे को तो दिमाग में सेट है, आपको learn करना पड़ेगा शायद। तो मैं आपसे इस पॉइंट पर अग्री करता हूं, अग्री मतलब आपके, आपसे सहमत हूं, आप और मैं एक ही ख्याल के हैं, तो आई अग्री। तो अगर मैंने बोला आई अग्री ऑन दिस पॉइंट, तो इसका मतलब है मैं इस पॉइंट पर आपसे सहमत हूं। अरे मैं तो आपसे हर पॉइंट पर सहमत हूं, मैं आपसे सहमत हूं, तो जैसे कहोगे वैसे करेंगे, फिर आप जो कह रहे हो मैं उससे सहमत हूं। तो एक होता है मैं बंदे से सहमत हूं, एक होता है मैं किसी एक पॉइंट पर सहमत हूं, एक होता है जो भी आप कह रहे हो मैं सहमत हूँ, आपकी प्रपोजल पे सहमत हूँ। तो फिर उस पर ध्यान देना है कि अगर आप एक पॉइंट पर हो तो आई अग्री ऑन दिस पॉइंट, नॉट ऑन दैट पॉइंट। आई अग्री विद यू मतलब जो कह रहे हो सही कह रहे हो, एंड आई अग्री टू योर प्रपोजल, आई अग्री टू व्हाट यू से, तो मैं आपकी बात से अग्री करता हूँ तो टू, मैं आपसे अग्री करता हूँ तो विद, मैं इस पॉइंट पर अग्री करता हूँ तो ऑन। आई एम सॉरी, मेरे को आता है ये सब, आप सीखो, आपको भी आ जाएगा। शुरू में मेहनत है, मैंने आपसे पहले कहा बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत मेहनत वाला चैप्टर है, लेकिन इसके आते ही ऐसे लगेगा मजा आ गया, 95 अंग्रेजी तो समझो आई गई, नो प्रॉब्लम्स आर देयर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहीं पर रोकते हैं। अपॉन भी ले लिया है मैंने, पॉइंट नंबर 4 तक हो चुका है हमारा, फिर पॉइंट नंबर 5 पे अगले लेक्चर से चलते हैं, ताकि आप पहले यहां तक मगअप कर लें, यहां तक लर्न कर लें, तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जब ये अच्छे से सेट हो जाए तब नेक्स्ट लेक्चर पे आ जाओ। ओके, बाय बाय।